हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। मैं सोनू डेलू स्टडी पॉइंट आर्ट्स यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको होली की राम राम। और आज जैसे कि आपको जानते हैं, आज फाग का दिन है, मतलब रंगों का त्यौहार है ये। तो मैं भी आपकी जो क्लास है उसमें रंग रंगीन के अक्षरों को आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, जो कि आपकी परीक्षा में काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे दोस्तों। और आज ये जो क्लास होगी वो क्लास होगी जी लेटर से स्टार्ट होने वाले वर्ड के बारे में, और उनको कंप्लीट कर कर हम एस लेटर पर पहुंच जाएंगे। जी लेटर पर इतना ही इम्पोर्टेंट है, इनके वर्ड के आगे ही आपको सफिक्स या प्रीफिक्स लगाकर अन्य वर्ड बना सकता है, ठीक है, वो आपको ध्यान में रखना है। जैसे मैं आपको बता दूँ कैसे बनाएगा वो, मतलब मैंने एक यहाँ पर लिखा है इनइक्वेलिटी। इनइक्वेलिटी क्या होता है? असमानता। तो इसके आगे लगा देगा वो जेंडर इनइक्वेलिटी, ठीक है। तो लिंग की जो असमानता है वो जेंडर इक्वेलिटी हो गया। ऐसे मतलब आपको ये सफिक्स या प्रीफिक्स में ही मिलेंगे जो वर्ड, लेकिन जो आगे जो आपको वर्ड मिलेंगे वो इन्हीं वर्डों में होंगे। और चलो हम क्लास को अब शुरुआत करते हैं, जिसमें हमारा पहला वर्ड क्या है ध्यान से सुनना। पहला वर्ड है हमारा गेन। गेन क्या होता है? गेन होता है कोई फ़ायदा होना। आप कोई व्यापार कर रहे हो जिसमें आपको फ़ायदा हो गया, तो आप बोलोगे कि मेरे को 10% 20% का मेरे को गेन हो गया, मतलब मेरे को फ़ायदा हो गया। यदि मैं इसके आगे सफिक्स और प्रीफिक्स के आपके बीच में बात तो मैं कर ही चुका हूँ, तो आपको बता दूँ गेनफुल का भी मतलब ये होता है। और जैसे यही आपको मैं बताना चाहता हूँ, इन वर्ड के ही आगे आपको सफिक्स या प्रीफिक्स लगा कर देगा। जैसे फुल लगा दिया तो मतलब यही होगा, बस यहाँ पर क्या है लाभ या फायदा, तो यहाँ पर बोल सकता है वो लाभदायक, मतलब यही मतलब होगा। और सफिक्स या प्रीफिक्स में आपको दिए होंगे। अगला वर्ड है जो हमारी सैन्य टुकड़ी होती है उसको हम क्या बोलते हैं भाई? गैरिसन। गैरिसन को याद कैसे रखें? गैरिसन को याद रखने का तरीका बताते हैं, तभी तो इस क्लास में हम आएंगे। सन बेटा, सन का मतलब हम बेटा ही जानते हैं ना, जानते हैं तो सन का मतलब बेटा होता है। तो वो एक आदमी ने अपने बेटे को क्या कहाँ भेज दिया भाई साहब? फौज में भेज दिया, और उनकी एक सैन्य टुकड़ी सी बन गई, मतलब उनके चार बेटे थे, चारों को भेज दिया और एक यूनिट में वो काम कर रहे हैं। तो दोस्तों उनकी एक सैन्य टुकड़ी हो गई, मतलब गैरिसन। जी से आप याद रखना गन, सन मतलब पुत्र, पुत्र को बंदूक दिवा दी मतलब मिल पुत्र सॉरी पुत्र को बंदूक मिल गई, मतलब वो सेना में भर्ती हो गया। ऐसे तो हजारों लोग ले फिरते हुए बंदूक जो दोस्तों, लेकिन जो सेना की वर्दी पहनकर बंदूक लेता है वो अलग ही रुतबा होता है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि गैरिसन का मतलब होता है सैन्य टुकड़ी। अगला वर्ड है गेटवे। गेटवे क्या होता है? एक अवसर होता है, एक अवसर होता है जिस पर हम अपने आप को प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब आपका पोस्टल एग्जाम का ये आपके लिए बहुत ही अच्छा अवसर, आपका प्रमोशन करवाने के लिए, तो आप रेगुलर क्लासों से जुड़े रहे। तो गेटवे का मतलब इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रखना इसका। गेटवे का मतलब क्या होता है? अवसर होता है। अगला वर्ड है गजट। गजट होता है राजपत्र, जो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हाँ दोस्तों, मैंने आपसे कहा था स्टडी पॉइंट आर सी यूट्यूब चैनल study.stu.dy/study.rc टेलीग्राम चैनल है, वो आप ज्वाइन कर लीजिए। मैं आज आपके सामने कम से कम 5 पेज डाल दूंगा, उन 5 पेजों में से मैं आपको गारंटी लेता हूँ 6+ मीनिंग आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो दोस्तों जरूर से जरूर जाकर आज ही study.rc जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। आगे बढ़ने से पहले आपको मैं बता दूं इनइक्वेलिटी, मैंने शुरू में भी चर्चा की थी, इनइक्वेलिटी का मतलब होता है असमानता, ठीक है। अगला वर्ड है वॉयलेंस। वॉयलेंस क्या होता है? हिंसा होता है। और अगला वर्ड है जेनियस। जेनियस लोग होते हैं, जेंटलमैन। ये किसे बना? जेंटलमैन, जेंटल से बना है साहब, ये जेंटलमैन, ठीक है। जेंटलमैन का मतलब क्या होता है? एक बहुत ही मतलब डिसिप्लिन का जो आदमी होता है उसे जेंटलमैन कहते हैं दोस्तों। और जीनियस मतलब एक प्रतिभा, एक निखार, उसमें कुछ मतलब किसी भी क्षेत्र में वो
अपने जो प्रतिद्वंदी है उनसे आगे है, मतलब अपनी प्रतिभा उसमें जीनियस लोग हैं, जीनियस पीपल ऐसे बोल सकते हैं ना, इंडियन होते हैं सबसे ज़्यादा जीनियस पीपल होते हैं। अगला वर्ल्ड है जीनोसाइड, जहाँ पर भी साइड लग जाए, क्या लग जाए, साइड लग जाए, जहाँ पर भी साइड लग जाए उसका होगा मतलब हत्या करना, मतलब जीनोसाइड, ठीक है, पत्रीसाइड, ठीक है, एक्जोरोसाइड, पत्नी की हत्या, ठीक है, पत्रीसाइड, पिताजी की हत्या, जीनोसाइड, ठीक है, ये हमारा हो गया जीनोसाइड। जी एनो जनसहार, एक बहुत ही जो अशोक सम्राट था, जैसे आपको अजय माइल्सर ने पढ़ाया था, अशोक था वो, जहाँ पर उसने अपनी राजगद्दी संभालने के लिए उनको भेजा था ना, तो उसने सभी को क्या कर दिया था, जनसहार कर दिया था, जीनोसाइड कर दिया था और उस पर कब्जा कर लिया था उस क्षेत्र पर, मतलब जीनोसाइड का मतलब मैं आपको समझाना चाहता हूँ दोस्तों, जनसहार होता है और जहाँ पर भी साइड लगता हुआ आ जाए आपके तो उसका मतलब हत्या होगा। आपको समझ में आ गया। अगला वर्ड है ग्लोसरी, ग्लोसरी का मतलब क्या होता है, एक शब्दावली होता है, मैं आपको ये वर्ड ट्रांसफॉर्मेशन के रूप में शब्दावली तो करवा रहा हूँ, तो ग्लोसरी आपकी डिक्शनरी में लिखा होता है, ग्लोसरी शब्दावली, ठीक है। अगला वर्ड है गुडविल, गुडविल क्या होता है, गुड मानी अच्छा, विल मानी शुभकामनाएं, जो अच्छी शुभकामनाएं देती है वो हो क्या होगा, सद्भावना ही होगी, उसके विचार तो नेगेटिव नहीं होंगे, मतलब सद्भावना वाला व्यक्ति। ये हमारे टेंथ वर्ड हो गए, इलेवंथ पर हम चलते हैं। पहला वर्ड है ग्रासफुल, ग्रासफुल का मतलब होता है हैप्पी, एक मतलब होता है इसका हैप्पी, और हैप्पी का अपोजिट आप बताएंगे, मैं भी बता देता हूँ, ग्लूमी, सैड, डिप्रेस, ये हैप्पी के एंटोनेम हो गए, ठीक है, और ग्रासफुल का सिनोनेम क्या हो गया, हैप्पी हो गया, इस जिसका मतलब होता है खुश या ग्रीमा में होना। अगला वर्ड है ग्रेड, तेरी पे ग्रेड क्या है, ठीक है, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, मतलब पद का जो कर्म होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेड बोलते हैं दोस्तों। अगला वर्ड है ग्रेजुअली, ग्रेजुअली का मतलब क्या होता है, स्लोली, सही बोले, स्लोली, स्लोली का मतलब होता है धीरे धीरे, धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब कुछ होए, मालिक ही से सो गड़ा ऋतु आए फल होए, तो इसका मतलब होता है ग्रेजुअली का धीरे धीरे, ठीक है। अगला वो वर्ड क्या, ग्रेफ्ट, ग्रेफ्ट का मतलब क्या होता है, रिश्वत लेना या घूस लेना, ठीक है दोस्तों, ये आप काम कभी मत करना। ग्रीट, ग्रीट का मतलब क्या होता है, शुभकामनाएं देना, कॉन्ग्रेचुलेशन ऑल ऑफ यू टू क्वालिफाई द पोस्टल एग्जाम, ठीक है, तो आप बोल सकते हो उनको कॉन्ग्रेचुलेशन की जगह ग्रीट भी आप बोल सकते हो। अगला वर्ड है दोस्तों ग्रीवियस, ग्रीवियस क्या होता है, गंभीर स्थिति होती है उसको हम बोलते हैं ग्रीवियस, गंभीर स्थिति। अगला वर्ड है, ये हमारे जी से कंप्लीट हो गए हैं दोस्तों, यदि आपने अभी तक ए बी सी डी ई एफ जी तक नहीं देखा है तो मैं आपको फिर से कहता हूँ, स्टडी पॉइंट आर सी जो यूट्यूब चैनल है उन पर जाकर सभी क्लासों को देखें, और यदि आपको कुछ दमखम दिखे क्लासों में तो लाइक शेयर भी कर देना उन क्लासों में, ठीक है। अगला वर्ड है हैबिचुअल, हैबिचुअल क्या होता है, आदि होता है, ठीक है, मतलब आदतन हो जाती है, किसी को स्मोक करने की हो जाती है तो किसी को पढ़ने की आदत हो जाती है, और जो पढ़ने वाला है दोस्तों वो निकल ही जाता है। और हेल का मतलब होता है सहराना करना, जब आपकी हैबिचुअल हो जाएगी पढ़ने की दोस्तों और आप कामयाब हो जाएंगे तो लोग आपकी क्या करेंगे, सहराना ही करेंगे, मतलब हेल करेंगे। हमको वर्ड याद रखना एच ए आई एल, इंपॉर्टेंट वर्ड है। अगला वर्ड क्या है, हैंडीकैप करना, हैंडीकैप मतलब बाधा भी होता है और हैंडीकैप मतलब विकलांगता भी होता है, और इसका मैं आपको एक और वर्ड बता दूं, हिंडर, हिंडर का मतलब भी क्या होता है, बाधा होता है, और एक वर्ड और आ रहा है मेरी जीप पर वो भी मैं आपको बता दूं, ऑब्स्टेकल, ऑब्स्टेकल का मतलब क्या होता है, बाधा होता है। और जिस भाई ने क्या किया है, जिस भाई ने गेम खेली है उसने तो ऑब्स्टेकल रेस का नाम भी सुना होगा, बाधा दौड़, ठीक है। और लास्ट वर्ड है हमारा हैंड आउट,
हैंडआउट क्या होता है, एक पर्चा पकड़ा देना उसको कि फाइनल लिस्ट का ही पर्चा है, हैंडआउट इसके हाथों में मैं दे दिया हूँ। मतलब हैंडआउट का कहने का मतलब होता है पर्चा, ठीक है। ये हमारा इंग्लिश लैंग्वेज टू लोकल लैंग्वेज, और मैं अभी साथ साथ आपको लोकल लैंग्वेज टू इंग्लिश लैंग्वेज भी समझाने की कोशिश की, लेकिन कुछ मेरे भाई और बहन समझ नहीं पाए मेरी भाषा को, उनके लिए मैं दोबारा ही मेहनत करूँगा, मतलब मैं दोबारा पढ़ा देता हूँ। पहला वर्ड है हमारा फायदा मतलब गेन, दूसरा सैन्य टुकड़ी, टुकड़ी सैन्य टुकड़ी, सैन्य का नाम आया सन से बना, गन दे दी मतलब गिरी सन, याद हुआ। अगला वर्ड अवसर, गेट वे, गेट पर आने का मेरे को अवसर प्राप्त हुआ। याद रखने का आप तरीका देखो, वे का मतलब क्या होता है रास्ता, गेट मतलब, गेट मतलब दरवाजा, तो दरवाजे पर जाने का जो आपको रास्ता होता है या मंजिल पर जाने का आपका जो रास्ता होता है उसको सवर्णिम अवसर ही बोलते हैं मेरे भाई, ठीक है। तो गेटवे का मतलब भी अवसर होता है। गजट, गजट क्या होता है राजपत्र होता है। इनइक्वालिटी असमानता, इनइक्वालिटी जेंडर इक्वालिटी जो भी हो, हिस्सा वॉयलेंस प्रतिभा, जीनियस लोग होते हैं, जनसाहर जिनोसाइड एक्सोसाइड पैट्रिसाइड जो भी आप कहना चाहते हैं, ठीक है। एक्सोसाइड होता है पत्नी की हत्या, मर्डर ऑफ वाइफ। शब्दावली ग्लोसरी, सद्भावना गुडविल। अगला वर्ड है ग्रीमा में ग्रासफुल, ग्रासफुल का सिनोनिम हैप्पी, हैप्पी का एंटोनिम ग्लूमी, ग्लूमी का सिनोनिम सैडनेस डिप्रेस, यार क्या बात है। पदक्रम ग्रेड, धीरे धीरे स्लोली या ग्रेजुअली, घूस लेना ग्रिफ्ट करना, शुभकामनाएं देना ग्रीट देना, गंभीर ग्रीवियस आदि होना, हैबिचुअल होना, सराहना करना, यदि आप पढ़ाई के आदि हो गए तो आपकी हेल करेंगे सब लोग, ठीक है, मतलब सराहना करेंगे। बाधा हैंडीकैप, हिंडर ऑब्स्टेकल, पर्चा हैंडआउट। और ये हमारी क्लास हो गई अच वर्ल्ड तक, और अच वर्ल्ड की एक क्लास और होगी दोस्तों, उसके बाद में हम अच तक कंप्लीट कर लेंगे, और 500 वर्ल्ड का आपका जो परफॉर्मा है वो तैयार हो रहा है धीरे धीरे, शायद 170 वर्ड तो मैंने लिख लिए होंगे, धीरे धीरे मैं आपको कल या परसों तक, मैं फ्राइडे को डालने की कोशिश आपसे वादा किया था, तो फ्राइडे को मैं आपके पास डाल दूंगा, ठीक है। तो आप ध्यान रखना इन सब का, और ध्यान से इन क्लास को देखना दोस्तों, घबराना नहीं एग्जाम देते समय, आपने मेहनत की है तो आपको फल मिलेगा, यदि आपने कंजूसी की है तो कंजूसी से ही फल आपको मिलेगा दोस्तों, नंबर देने वाला कंजूस भी होगा यदि आपने मेहनत करने में कंजूसी की है तो, ओके। ये हमारी क्लास हो गई है, और नेक्स्ट क्लास के लिए आप स्टडी पॉइंट RC यूट्यूब को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में बेल आइकन को जरूर जरूर जरूर, क्योंकि मेरी क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, यदि नोटिफिकेशन मिल जाएगा और एकदम तुरंत प्रभाव से क्लास देख ली तो एकदम खोपड़ी में आपके छप जाएगी। और ये हमारी क्लास हो गई दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद जय भारत।